वाह वाह वाह, इधर देखिए, आप डर लगे थे ना? अरे बप्पा हो बप्पा, ठीक है, चलिए एकदम, आप डर लगे थे ना? महेंद्र सिंह भोक्ता मर रहे, प्रकाश सिंह भोक्ता जिंदाबाद, प्रकाश सिंह भोक्ता जिंदाबाद, 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 असली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदा, जिंदाबाद, जिंदाबाद, रामेश्वर उरांव जिंदाबाद, 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 अर्जुन मुंडा जिंदाबाद, 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 भोक्ता समाज विकास संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर बढ़ाइए और नीचे लड्डू बांटिए, लड्डू इधर इधर बढ़ाइए और नीचे लड्डू बांटिए, लड्डू बढ़ाइए। सबसे पहले तो मैं नीलांबर पीताम्बर जी का श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा कि आज इनका, हमको लगता है कि जो सपने देखे थे पूर्व में और उनके हम लोग वंशज हैं, आज इन सपनों को हम लोग पूरा करते हुए देख रहे हैं। और आप लोगों को, मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो आप सबको, हमारे खरवार भक्ता समाज विकास संघ को भी बधाई हो। और बहुत ही खुशी का दिन है, जैसा कि हम लोगों ने लगभग 70 वर्षों से हमारा जो अस्तित्व था हम लोग खो चुके थे। आप लोग को किन्हीं कोई चंद लोग जो हैं उनको इतिहास के बारे में पता नहीं होगा कि 1950 से पहले हम आदिवासी थे, जो हमारा मूल अस्तित्व आज हमको माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अर्जुन मुंडा जी, अन्नपूर्णा मैडम, सुनील सिंह, इन सभी को बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हम समाज की ओर देना चाहेंगे। लेकिन हमारे माननीय मंत्री जी अभी जो वर्तमान में हैं, भोक्ता समाज से ही हैं, इनको कुछ अगर दर्द हुआ है, दुख हुआ है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा इनके द्वारा कि पिछले बार शीतकालीन जो सत्र चल रहे थे उसमें तो अपना लेटर पैड में अमित शाह को दिए हुए थे गृहमंत्री को, तो आज फिर विरोधाभास क्यों इस तरह से कर रहे हैं? हम लोग को कभी कभी लगता है कि हो सकता है समाज के साथ इन्होंने बारगालिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आखिर कुछ करना है तो सामने आके बात कीजिए ना भाई, और यहीं तो चतरा का तो कोई बात है नहीं, पूरे झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, ये तमाम भोक्ताओं का और जो 10 अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति में गए हैं, सबका मामला है। तो ज़्यादा हम ना बोलते हुए मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोग को पुनः सबको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद हो जो आप लोग हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बरसों से अनुसूचित जाति की मांग को लेकर के संघर्ष कर रहे थे और आज वो सपना साकार हुआ है और इसीलिए आज हम लोग बहुत खुश हैं। और इस खुशी में हम अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को, माननीय अर्जुन मुंडा जी को, माननीय हमारे सांसद हैं चतरा लोकसभा का सुनील कुमार सिंह जी को, रामेश्वर उरांव जी जो पहले जनजाति आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने हम लोग को सर्वे किया और उन्होंने, उनका बहुत योगदान रहा है हमारा सर्वे, हमारा अनुसूचित जनजाति में शामिल करने में,
मैं उनको आज है हम लोग इस कार्यक्रम के तहत हम तमाम खरवार भोक्ता समाज विकास संघ की ओर से उनको हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज है हमारी जो मांगे पूरी हुई है, मनोकामना पूरा हुआ है। अब मंत्री जी तो शुरू से विरोध कर रहे थे, वो आज वो उनका कोई नया विरोध थोड़ी है, उनका व्यक्तिगत विरोध है, उनका व्यक्तिगत विरोध है, एक व्यक्ति का विरोध है, पता नहीं उनको उनका अपना कुछ लालच है, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना क्या लगता है कितना नहीं बिल्का के झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल के तमाम भोक्ता और भोक्ता का जो भी उपजाति है, जैसे खैरी, खैरवार, देसवारी, मंझिया, राउत, पटबंधिया, ये सबों को शामिल किया गया। हम लोग सभी एक साथ संघर्ष किए हैं, एक साथ इसकी मांग को लेकर के आंदोलन किए हैं, आज ये सपना पूरा हुआ। तो मंत्री ने तो कहा कि भोक्ता समाज खतरे में है, उसका करियर खराब हो रहा है। मैंने कहा ना कि भोक्ता मंत्री जी हैं, उनका अपना वो अपना करियर देखे, हम तमाम भोक्ता लोग हैं, आप पूछ सकते हैं कि हम लोगों को करियर क्या। हम लोगों को तो बहुत आज मन ऐसा लग रहा है कि फूले न समा रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? मैं जगदीश सिंह भोक्ता, मेरा नाम है, मैं चतरा जिला खरवार भोक्ता समाज विकास संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। उस्ताद आफत में पड़ी है जान, उस्ताद उसके हाथ में तलवार है। तलवार का मुकाबला पाइप से? अरे वाह, आप तो हीरो हो। हीरो मैं नहीं, ग्लाइको पाइप है। अरे बॉस का कॉल। हेलो, आज का हेडलाइन क्या है? आज का हेडलाइन तो ग्लाइको पाइप है सर। ग्लाइको पाइप, हम चुकाते हैं एक एक बूंद की कीमत। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।